आप देख सकते हैं क्वेश्चन ऑब्टेन लेंस मेकर फॉर्मूला यूजिंग द एक्सप्रेशन एन टू बाई वी माइनस एन वन बाई यू इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन बाई आर। हेयर द रे ऑफ लाइट प्रोपेगेटिंग फ्रॉम रेरर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन टू अ डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स साइड ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो रेरर से डेंजर लाइट जा रही है, कॉन्वेक्स साइड पे हिट कर रही है, और हमें इस फॉर्मूले का पके पकाए फॉर्मूले का इस्तेमाल करके लेंस मेकर फॉर्मूला डराइव करना है। अभी हमने लेंस मेकर फॉर्मूला डिटेल्ड वे में डिस्क्राइब किया था। कभी कभी टाइम बचाने के लिए बोर्ड एग्जाम वाले क्या करते हैं कि वो लोग पका पकाया ये फॉर्मूला देते हैं, आप यूज करें और इसको डराइव ना करें, तो आपका 3 मार्क्स के अंदर फिट बैठेगा फिर ये। सो लेट्स डू इट यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो हम लोग को क्या दिया गया है, हम लोग आ गया लेट अस सी। हमें फॉर्मूला दिया गया है क्वेश्चन 3, एन टू बाई वी माइनस एन वन बाई यू इज एन टू माइनस एन वन बाय आर। नाउ एज वी नो, हमने डायग्राम बनाया था, ऐसा बनाया था। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये रे गई इंसिडेंट रे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला वाले का और टूवर्ड्स द नॉर्मल ये लीजिए। ये आपके लिए पहली इमेज आई वन, और ये जो है दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये फाइनल इमेज आई। इसको पोल पी टू पोल पी वन ये हम वी लेते हैं, इतना ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। इंसिडेंट रे जो है वो राइट जा रही है ना, इसको हम फिट बैठाएंगे इसके लिए। तो फॉर कॉन्वेक्स सरफेस एन टू बाई वी माइनस एन वन बाई यू इज एन टू माइनस एन वन बाय आर। वैल्यूज पुट करते हैं, एन टू बाय आई वन माइनस एन वन बाई यू इज एन टू माइनस एन वन बाय आर वन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं इस सरफेस की, ध्यान रखना ये जो अपर्चर है वो एल है। फॉर कॉनकेव सरफेस विच इज एन टू के नीचे, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा क्योंकि अब जो रे है वो डेंजर से रेयर जा रही है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जहाँ होता है उसके ऊपर हम वो मीडियम रखते हैं। तो यू माइनस एन वन बाई वी इज एन टू माइनस एन वन बाय आर, वैल्यूज रखते हैं। इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ है तो आई वन प्लस एल, ठीक है। सो वी हैव आई वन प्लस एल, ओके। और ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा माइनस साइन होता है, ये मैंने नोटिस नहीं किया, तो आप माइनस साइन फॉर्मूले पर लेटर तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। प्लस एन वन बाय वी इज एन वन माइनस एन टू बाय, ये भी करना होता है जब डेंजर से रेरर जाती है, इट इज एन वन माइनस एन टू एंड दिस इज इक्वल्स टू आर टू। इस बार रेडियस आर टू है, ध्यान रखें ऑब्जेक्ट के पास माइनस साइन है, ठीक है। वैसी का वैसा हमने कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगाना है इसमें, जैसा दिया है बस वैल्यूज सीधे लेटर्स रख देने हैं। ये हमारा सेकंड आ गया। अब हम जैसे पहले पहले बोलते थे ना कि आई वन प्लस एल ऑलमोस्ट इक्वल्स टू आई वन है, क्योंकि एल जो है वो आई वन के सामने ना के बराबर है, तो इसलिए हम यहाँ पे हटा देंगे। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, माइनस का एन टू बाय आई वन प्लस एन वन बाई वी इज एन वन माइनस एन टू बाय आर टू। सो आई शुड एक्चुअली मार्क दिस एज सेकेंड इक्वेशन, नाउ वी कैन ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। वी कैन ऐड द फर्स्ट एंड सेकेंड। द फर्स्ट इक्वेशन इज एन टू बाई आई वन माइनस एन वन बाई यू
इज एन टू माइनस एन वन बाय आर वन माइनस एन टू बाय आई वन प्लस एन वन बाय वी इज एन वन माइनस एन टू बाय आर टू। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, एन वन कॉमन लीजिए, वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। सो वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज एन टू बाय एन वन माइनस वन वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। एंड वेन वी पुट यू इक्वल्स टू इन्फिनिटी वी गेट वी एज एफ। सो वन बाय एफ इज माइनस वन वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। दैट इज द आंसर टू द डेरिवेशन पार्ट। सो देखिए कितना आसानी से हो गया। अब सुनिए ध्यान से, इस साल बोर्ड एग्जाम में लेंस मेकर फॉर्मूला आया था, हर बच्चे ने, इवन द बोर्ड एग्जाम ने ये नहीं दिया था पका पकाया, हर बच्चे ने ले लिया और सबको नंबर दिए गए। ठीक है, तो आपको अगर ये अच्छा लग रहा है, छोटा लग रहा है, तो आप भी आराम से पका पकाया फॉर्मूला लें और एग्ज़ाम में कर लें।